जिला अजमेर में पहले से ही नाकाबंदी थी क्योंकि साइड में मूवमेंट की सूचना थी, तो यहाँ पर जिला पुलिस द्वारा MDA चौराया पर नाकाबंदी करते हुए इसको राउंड अप किया। 5 व्यक्ति हैं, 10 पर गाड़ी है। जो पीड़ित था उसको रूपनगढ़ ओकाली डूंगरी के बीच में इन्होंने कहीं पटका, तो उसको भी रिकवर। शराब कारोबार को लेकर चल रही रंजिश के चलते युवक का अपहरण। नागौर और अजमेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए MDS चौराहे पर 5 आरोपियों को कैंपर गाड़ी सहित किया गिरफ्तार। अवैध शराब की बिक्री को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के चलते नागौर के खुनगुना थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर लिया गया। नागौर पुलिस की सूचना पर अजमेर पुलिस ने नाकाबंदी कर अपहरणकर्ताओं को कैंपर गाड़ी सहित MDS चौराहे पर धर दबोचा। 5 आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। डीडवाना पुलिस उप अधीक्षक गोमाराम ने बताया कि दोनों गुटों के बीच शराब बिक्री को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें शराब ठेकेदार भगवान सिंह थेवड़ी और उसके साथियों ने युवक मुकेश नेतण का अपहरण कर लिया और उसे किशनगढ़ के पास काली डूंगरी इलाके में मारपीट कर पटक कर 5 आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद की गई नाकाबंदी में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। CO डीडवाना गोमाराम ने बताया कि अपहरण की सूचना पर जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। शाम को संदिग्ध कैंपर अजमेर सीमा में देखी गई, जिसके बाद अजमेर पुलिस ने CO नॉर्थ छवि शर्मा और कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में उक्त वाहन का पीछा किया और MDS चौराहे पर भाग रहे युवकों को धर दबोचा। नागौर पुलिस आरोपी भगवान सिंह थेवड़ी और उसके साथियों को लेकर डीडवाना रवाना हो गई, जबकि पीड़ित मुकेश नेतण का JLN अस्पताल में उपचार व मेडिकल करवाया गया है। आज शाम को नागौर जिले के कुनकुना थाना क्षेत्र में दशाना खुद से एक मुकेश नाम के युवक के किडनैपिंग की सूचना थाने पर प्राप्त हुई, जिस पर जिला नागौर में सीकर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण इन जिलों में संघन नाकाबंदी कराई गई। हमारे पास इनपुट थे, उसके आधार पर अजमेर साइड में मूवमेंट था तो पीछा कर रही थी हमारी टीमें। रूपनगढ़ के आसपास एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के टाइम प्राइवेट व्यक्ति द्वारा शक होने पर इनकी गाड़ी का पीछा किया गया। नेनुराम जाट नाम से कोई व्यक्ति था, उसने अपनी गाड़ी और 3-4 और गाड़ियां साथ लेकर इसका पीछा किया और पुलिस को सूचना दी। जिला अजमेर में पहले से ही नाकाबंदी थी क्योंकि साइड में मूवमेंट की सूचना थी, तो यहाँ पर जिला पुलिस द्वारा MDA चौराया पर नाकाबंदी करते हुए इसको राउंड अप किया। 5 व्यक्ति हैं, 10 पर गाड़ी है। जो पीड़ित था उसको रूपनगढ़ ओकाली डूंगरी के बीच में इन्होंने कहीं पटका, तो उसको भी रिकवर किया है सकुशल। उन 5 आरोपियों को राउंड अप किया है, गाड़ी भी बरामद की है, आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कारण क्या रहा अपहरण करने का? अभी ये तफ्तीश का विषय है। मोटा मोटा इनकी आपस में कोई रंजिश है जो अभी अनुसंधान के समय है। कारोबारी टाइप की चीज तो नहीं है, लेकिन इनके वहाँ शॉप्स हैं, पहले की इनकी रंजिश है काफी दिनों से। किसी तरह की फायरिंग की घटना भी अभी ऐसी कोई चीज वहाँ पर जहाँ किडनैपिंग हुआ वहाँ पर ऐसी चीज नहीं है, तफ्तीश में ये चीज जांच का विषय होगा। परिवादी कौन है सर? परिवादी मुकेश के परिजनों ने रिपोर्ट की है, जिस पर कुनकुना थाने में 99/22 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। सर, जो 5 आरोपी रिटर्न किया आपने, वो कहाँ कहाँ के हैं? 4 इसमें नागौर के, एक अभी प्राइम एफ एसी ज्ञात हुआ है वो रानोली का है।